वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो भी कृषि से रिलेटेड क्रांतियां हुई है और जिनका भारत की आर्थिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए दिन कोई ना कोई क्वेश्चन कि जैसे पूछ लिया कि इस क्रांति का जनक कौन है, ये किससे रिलेटेड है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो उसकी बात हम करेंगे, जैसा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, लाल, पीली, गुलाबी, सुनहरी और भी बहुत सारी क्रांतियों के नाम है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि कृषि में जो क्रांतियां हैं इनका क्या मतलब है। कृषि क्रांतियों का मतलब इतना सा है कि कृषि का जो उत्पादन है वो किस प्रकार से बढ़ाया जाए, और एक क्रांति की तरह कि उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सरकार द्वारा किए जाते हैं। वो प्रयास इस प्रकार हो सकते हैं कि कृषि में तकनीकी बढ़ाओ, अब नए नए आविष्कार करो, अच्छे बीजों का चलन लाओ, या फिर उर्वरक, खाद वगैरह अच्छी दो, सिंचाई अच्छी करो, और जो नवीनतम उपकरण है उनका प्रयोग खेती में करके उनके बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जैसे कृषि क्रांतियों उत्पादन के तरीकों को बदल देती है और उत्पादन की दर को बढ़ा देती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे नई तकनीक, नए आविष्कार, खोज को कृषि में लागू कर उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। तो मतलब मेन टारगेट है उत्पादकता को बढ़ाना। भारत में क्रांतियों की बात करें तो इन्होंने क्रांतियों ने भारत में नए अवसर पैदा किए हैं और कृषि को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की है। इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसा कि हरित क्रांति और श्वेत या फिर सफेद क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, वहीं हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। इसमें हम पहली क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अगर वैश्विक स्तर की बात करी जाए तो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई, और नॉर्मन बोरलॉग को ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1960 में की गई और इसकी शुरुआत हुई सर्वप्रथम मैक्सिको में। मैक्सिको में इसकी शुरुआत किससे संबंधित थी, तो चावल की खेती में उत्पादन बढ़ाने से संबंधित थी हरित क्रांति। इसके प्रयोग के बाद सबसे ज़्यादा चावल में वृद्धि जो है वो मनीला, फिलीपींस जो जगह है वहाँ देखने को मिली, और यहीं पर जो है मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। तो प्रश्न जब आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मनीला में है, फिलीपींस में। और जो है हरित क्रांति इसकी शुरुआत कहाँ की मानी जाती है, तो मैक्सिको की, और इसके जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये कुछ तथ्य हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि हरित क्रांति से सर्वप्रथम शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1960 में की गई, मेक्सिको में इसकी शुरुआत हुई और चावल की खेती से ये संबंधित थी। भारत के लेवल पे देखें तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1966-67 में मानी जाती है, जो केरल के कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन द्वारा की गई। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, M.S. स्वामीनाथन, जो कहाँ के हैं, केरल के हैं, एक कृषि वैज्ञानिक का नाम है M.S. स्वामीनाथन, जिनके द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई 1966-67 में, और भारत में यह गेहूं और चावल की खेती से संबंधित थी। अब गेहूं और चावल की खेती को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के तहत उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। इनको बोलते हैं HYV, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी। तो HYV किस्म के बीज यहाँ पर प्रयोग किए गए। हाई यील्डिंग वेराइटी का क्या मतलब है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया गया जो इनकी उत्पादकता काफ़ी अच्छी थी, हाई यील्डिंग वो बीज थे। और कृत्रिम खाद का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई के अच्छे साधन और आधुनिक उपकरणों के साथ कृषि में इनके उपयोग को बढ़ाने से कृषि में उत्पादकता बढ़ी। और हरित क्रांति में जो महत्वपूर्ण राज्य थे जिनका सबसे ज़्यादा योगदान था और वहीं पर काफ़ी अच्छी पैदावार गेहूं और चावल की देखने को मिली, उनमें से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये तीनों राज्यों ने हरित क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई।
अगली क्रांति की बात करते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर सफेद क्रांति या फिर श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है और भारत में जो इनके जनक है उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक तथा मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। अब इसकी शुरुआत की बात करें तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड चालू हुआ। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन, उसके बाद ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया। तो ऑपरेशन फ्लड के तहत डेयरी के विकास से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम था और डेयरी का जैसे जैसे विकास हुआ उसके साथ ही दुग्ध उत्पादन का भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो है वो भी कार्य भारत में होने लगे। तो चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें ऑपरेशन फ्लड चला गया और उसके साथ ही डेयरी विकास बोर्ड कार्यक्रम चालू हुआ और धीरे धीरे भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी अग्रणी होता चला गया। तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनेगा कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से। नेक्स्ट है येलो क्रांति या फिर पीली क्रांति। येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो ये है खाद्य तेल से संबंधित, कि खाद्य तेल जो है वो किस कौन सी फसल से आता है? वो तिलहन की फसल से आता है। तो तिलहन की जो 9 फसलें थी उनको इसमें टारगेट किया गया। तो उन 9 फसलों का नाम है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी। तो इन सब जो 9 फसलें थी उनको लक्षित किया गया, टारगेट किया गया था येलो रेवोल्यूशन के तहत। तो 9 तिलहनों को लक्षित किया गया था और भारत में पीली क्रांति के जो जनक है वह है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये था पीली क्रांति से संबंधित जो 1986-87 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट जो क्रांति है वह है ब्लू रेवोल्यूशन, दैट इज नीली क्रांति। तो नीली क्रांति बेसिकली मत्स्य उत्पादन या फिर मछलियों के उत्पादन से संबंधित है और इस क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1985-1990 के दौरान हुई और इसी दौरान भारत के केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य किसान विकास एजेंसी, बोले तो फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की जो है वो स्थापना की गई और इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना था और इसमें जो अग्रणी भूमिका निभाई वो व्यक्ति थे अरुण कृष्णन और इसीलिए अरुण कृष्णन को भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्रांति की बात करते हैं रेड रेवोल्यूशन या फिर लाल क्रांति। लाल क्रांति के नाम से ही हमें प्रतीत है कि कोई लाल कलर की चीज़ के बारे में ये बात करेगा। तो यहाँ पर जो है ये टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित थी कि टमाटर और मांस का उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जाए और इसके जनक का नाम आता है विशाल तिवारी। ये हमको ध्यान रखना है कि लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। नेक्स्ट टाइप की जो क्रांति है वो है पिंक रेवोल्यूशन, दैट इज गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज के उत्पादन और झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित थी और इसमें जो भारत के जनक है उनका नाम आता है दुर्गेश पटेल। तो दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक के रूप में देखा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा जो झींगा मछली निर्यातक देश है वह है भारत। तो ये इस तरह की होती है झींगा मछली और प्याज जो है उसके उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रे क्रांति। तो ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन की वृद्धि से संबंधित थी कि उर्वरकों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसे ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो जैसा कि हमने हरित क्रांति में समझा कि हरित क्रांति में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा। तो उर्वरकों का जब ज़्यादा प्रयोग होता होगा तो उर्वरक को भी बढ़ाना पड़ेगा और उर्वरक का उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम आता है ग्रे क्रांति। नेक्स्ट टाइप की क्रांति है स्वर्ण क्रांति, दैट इज गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो बागबानी फसलों और शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित थी और इसके जो जनक है वह निरफाक टूटेज। तो निरफाक टूटेज जो है स्वर्ण क्रांति या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो क्रांति है वह ब्लैक रेवोल्यूशन या फिर काली क्रांति। काली क्रांति जो है वो पेट्रोल, खनिज तेल और कोयला, इन तीनों के उत्पादन से संबंधित थी और जब
पेट्रोल खनिज तेलों का उत्पादन बढ़ाया तो एथेनॉल का भी उत्पादन बढ़ाया, और क्योंकि एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है, तो जैसे जैसे एथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा तो वहीं पे बायोडीजल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहेगी। तो हालांकि हमें ध्यान क्या रखना है कि काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम खनिज तेल और कोयला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं रजत क्रांति या फिर सिल्वर क्रांति। तो भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित है रजत क्रांति, और इसके जो जनक है वह इंदिरा गांधी को माना जाता है। नेक्स्ट टाइप की जो क्रांति है वह है गोल क्रांति या फिर राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। हालांकि भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, और भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ तथ्य हैं गोल क्रांति से संबंधित जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप का जो क्रांति है वो इंद्रधनुषी क्रांति है। इंद्रधनुषी क्रांति में क्या है कि जो सारी क्रांतियां हों देख जो हमने देखी, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर, जितनी भी सारी क्रांतियां उन सबको मिलाकर एक साथ चलाने का लक्ष्य रखा गया, तो उसी को बोला है इंद्रधनुषी क्रांति। जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं तो उसको कंबाइन करके एक इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दे दिया, और सबको ही यहाँ पर एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया। अब हम कुछ तथ्यों की बात करेंगे कि कौन सी क्रांति के कौन से जनक हैं उसके बारे में। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो है M.S. स्वामीनाथन, जो कि केरला के कृषि वैज्ञानिक थे। विश्व में हरित क्रांति का पिता जो माना जाता है वो है नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने मेक्सिको में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है भारत में नीली क्रांति के जनक है अरुण कृष्णन। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में प्रेरित प्रजनन यानी कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का जो जनक है वो माने जाते हैं हीरा लाल चौधरी। भारत में गुलाबी क्रांति के जो जनक है वह है दुर्गेश पटेल। और भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक है निरफक टुटेज। तो निरफक टुटेज की बात हमने करी थी, स्वर्णिम क्रांति है कि जो गोल्डन रेवोल्यूशन की जो हमने बात करी थी। और भारत में जो लाल क्रांति है जो मांस उत्पादन और टमाटर से संबंधित है वह है उसके जनक है विशाल तिवारी। और सिल्वर जो क्रांति है उसके जनक मानी जाती है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमको ध्यान रखने हैं कि कौन सी क्रांति के कौन जनक है। तो इसके साथ ही जो ये हमारा लेक्चर है छोटा सा जिसमें हमने सारी क्रांतियों को समझा कि कौन किससे रिलेटेड है वो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।